नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश एटीएस ने पत्नी सहित पकड़ा 82 लाख का इनामी नक्सली। एमपी एटीएस ने जबलपुर से 82 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। एटीएस मध्य प्रदेश जबलपुर में इनामी नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली, जिसके बाद एटीएस मध्य प्रदेश ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 21 अगस्त 2023 को विश्वत मुखबिर द्वारा नक्सली के संबंध में सूचना दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए फरार नक्सली अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव उम्र 62 वर्ष निवासी गोलकुंडा तेलंगाना एवं उसकी पत्नी रेमती उर्फ कुमारी पोटाई उम्र 43 साल निवासी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ को जबलपुर से गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। उपरोक्त आरोपियों में से भी अशोक रेड्डी प्रतिबंधित संगठन सीपीआई की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है। वहीं इसकी पत्नी रेमती उर्फ कुमारी पोटाई उत्तर बस्तर क्षेत्र में पार्टी के लिए प्रेस का कार्य जैसे कि माओवादी साहित्य पर्चे पंपलेट प्रेस विज्ञप्ति बैनर पोस्टर आदि को छपवाने का काम संभालती है। आरोपी अशोक रेड्डी के विरुद्ध तेलंगाना छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हत्या का प्रयास डकैती बलवा पुलिस पर हमला अपहरण लूट आगजनी सहित विस्फोटक अधिनियम आर्म्स एक्ट एवं यूए एक्ट से संबंधित 60 से अधिक गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। सीपीआई की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य होने के कारण अशोक रेड्डी पर तेलंगाना महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश को मिलाकर 82 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल मैं कारतूस 3 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि एवं प्रतिबंधित संगठन सीपीआई का साहित्य बरामद किया गया है। आरोपी अशोक रेड्डी का मुख्य कार्य क्षेत्र तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित रहा है, परंतु मध्य प्रदेश राज्य में नक्सल कैंडर एवं नेटवर्क को मजबूत करने के कार्य में इन नक्सलियों के संलिप्त होने की पूर्ण संभावना है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना एटीएस भोपाल में धारा 419 भारतीय दंड विधान धारा 20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप यानी निवारण अधिनियम एवं धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। आरोपियों से जुड़े अन्य नेटवर्क एवं मॉड्यूल की जानकारी पता की जा रही है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।